नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं प्रशांत शर्मा। शुक्रवार को रांची शहर में भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला गया, जिसे भारत ने 7 विकेट से जीतकर इस श्रृंखला में अब 2-0 की बढ़त बना ली है और अब इसी के साथ ये सीरीज भी भारत के नाम हो गई है। आपको बता दें कि कल इस मुकाबले को देखने लोकसभा के सदस्य शशि थरूर आए थे, जो भारत की इस जीत के साथ ही काफी खुश दिखाई दिए। उन्होंने मैच खत्म होने के बाद एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने अपनी राय BCCI के सामने रखी और तीसरे मैच में टीम का कप्तान बदलने की मांग की। शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत को T20 सीरीज जीतते हुए देखना अच्छा लगा। अगले मैच के लिए हमें उन खिलाड़ियों को आराम देना चाहिए जिन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया है। रोहित शर्मा, KL राहुल, ऋषभ पंत, भुवनेश्वर कुमार और दीपक चाहर को रेस्ट मिले। शशि थरूर ने आगे लिखते हुए कहा कि श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में बेंच को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलना चाहिए। आपको बता दें कि शुक्रवार को हुए मुकाबले में सभी भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया, जिसकी वजह से अब भारत इस श्रृंखला में 2-0 की बढ़त बना चुका है। ऐसे में अब उन खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है जिन्हें पूरी सीरीज में मौका नहीं मिला। आपको बता दें कि भारत के लिए इससे पहले मुकाबले में वेंकटेश अय्यर और दूसरे मैच में हर्षल पटेल ने डेब्यू किया। अब ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि तीसरा मुकाबला, जो 21 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेलना जाना है, उसमें आवेश खान भी भारत के लिए अपना पहला मुकाबला खेल सकते हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।